आज हमने वाइट को अपना इंटरेस्टिंग कलर बनाया है. सो ऑफकोर्स मुझे हमेशा से वाइट कलर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिंपल वाइट कलर की ड्रेस पहनी जाए. सो इट्स अ प्लेन वाइट ड्रेस विद दिस कढ़ाई वाला ड्रेप. या एंड नाम क्या होगा इस ड्रेस का, तो मैंने इसको दिया है वाइट सिंड्रेलन ड्रीमी फेरी ड्रेस. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फोटोशूट का क्या रीजन है, किसके लिए आप फोटोशूट? सो इट्स अ कैलेंडर शूट एंड बाकी चीज़ें हम सरप्राइज रखते हैं ताकि जब वो रिवील हो तो सबके सामने आए. एंड या सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अभी मैं गोवा गई थी. आई थिंक सबको पता है मैं पिक्चर्स इतनी डाल रही थी अपने इंस्टाग्राम वाले सब फॉलोअर्स को मैंने परेशान कर दिया था. सो मैं सीधा लैंड किया और मेरे को पता चला कि ओ ये शूट हो रहा है. मैंने कहा वाओ. सो मैं सीधा वहाँ से आई हूँ. आप कितना इन्जॉय कर रही हैं ये फोटो शूट? आई एम हैप्पी एंड बाकी जब पिक्चर्स देख लूँगी ना तब ज़्यादा खुशी बाहर आएगी. सो गुड्डन अभी नहीं चल रहा है, आपको इतना प्यार लोगों से मिला है, सो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कुछ नया अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप आने वाले? गुड्डन ने ऑफकोर्स गुड्डन की वजह से आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मतलब मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही उस चीज़ की शुक्रगुजार होंगी कि मुझे पहले ही शो में इतना सारा प्यार मिला है. एंड नए प्रोजेक्ट्स वो मुझे लगता है मैं अपने मुँह से अभी नहीं बोलती हूँ, मैं सीधा तभी बोलूँगी जब आप फिर से मेरे पास बाइट लेने आएंगे. मैं बोलूँगी यस कंग्रेचुलेशंस टू मी, कंग्रेचुलेशंस टू अस. सो किस तरह के आप रोल में नजर आएंगे या फिर क्या आपके ड्रीम रोल हैं कुछ ऐसा? तो जब मैंने गुड्डन किया था तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कुछ गुड्डन जैसा करने वाली हूँ, तो अभी भी मुझे सच में नहीं पता है. सो आपको पता है कि टीवी वाली दुनिया में तो क्या होता है ना, हमें स्टोरी पूरी नहीं पता होती है. लाइक हम लोग करते हैं करते 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 राइटर्स भी हमारे समझ पाते हैं अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे करे, इसको ऐसे हम ग्रो करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. सो हमें स्टोरी ऐसे क्लियर नहीं पता होती है, तो हमें स्टार्टिंग का कुछ पता होता है. तो वो मुझे कुछ चीज़ें कुछ बातें चल रही हैं, तो लेट्स सी अभी कुछ नहीं बोलते हैं. सो अभी पैंडेमिक का समय चल रहा था, सब ने कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूव किया है, आपने क्या कुछ किया है क्या? अच्छा सब ने इन दिनों अपने आप को इम्प्रूव किया क्या? मैंने कुछ इम्प्रूव नहीं किया. हाँ वैसे लोगों ने मैंने देखा खाना वाना बनाना सीखा, घर के काम करने सब ने सीख लिए. मुझे ये सब पहले आते थे तो क्योंकि मेरे घर में ना सबसे पहले सिखाया जा लड़कियों, वो मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को जैसे ही वो बढ़ने लगती हैं तभी सिखा दिया जाता है बेटा घर के सारे काम आने चाहिए, खाना बनाना सफाई करना पढ़ाई करना सब आना चाहिए. तो मुझे सब पहले से आता था. बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स चल ही रहे थे तो बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी देख ही रहते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं अपडेट्स आते ही रहते हैं. सो वो या अच्छा चल रहा है, इंटरेस्टिंग है, तभी देखो और एक्सटेंड भी हो गया. सो आई होप और एक्सटेंड हो जाए, सबको ऐसी एंटरटेनमेंट मिलती रहे. कौन मुझे पसंद आ रहा है ये तो बड़ा ट्रिकी है. मुझे निशान मिलकानी पसंद था, वो चला गया. अच्छा उनके अलावा मुझे रुबिना इज़ प्लेइंग गुड, अभिनव इज़ प्लेइंग गुड, राखी सावंत जी बहुत एंटरटेन कर रही हैं हमें. सो या एवरीवन इज़ डूइंग उनके एंटरटेनिंग. राखी सावंत के एंटरटेनिंग होने पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो फनी मतलब कुछ अच्छे तरीके से भी माने जाते हैं और कुछ चीप तरीके से भी लोग ले रहे हैं. सो आपका क्या मानना है कि वो किस तरीके से एंटरटेनमेंट कर रही है? सो क्योंकि मैं बहुत फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने जो इंस्टाग्राम पे कुछ बाइट्स देखे हैं आई एंजॉय दैम. अभिनव रुबीना की तरफ से जो राखी सावंत को फीडबैक मिला है जिस तरह से रुबीना ने पानी फेंका था राखी सावंत पे, क्या ये सही है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, सो सॉरी. ओके सो टॉप थ्री आपको कौन लगते हैं? रुबीना अभिनव एंड राखी. डिजर्विंग विनर? आई डोंट नो, आई रियली मेरे को समझ में बहुत नहीं आता है. ओके एंड लास्टली आप अपने फैंस ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? सो मैं हमेशा ही बोलती हूँ थैंक यू सो मच एंड एक बार फिर थैंक यू सो मच. थैंक यू.